दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके अपने जीमेल आईडी का और गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। जैसे ही मैं पासवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, पासवर्ड को चेंज करने के लिए यहाँ पे मुझसे करंट पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको करंट पासवर्ड याद है तो सिंपली आप इंटर करके नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको करंट पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे आप फॉरगॉट पासवर्ड इस पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे बिना पुराने पासवर्ड के ही पासवर्ड को चेंज करके नया पासवर्ड बना सकते हो अपने जीमेल आईडी के लिए और गूगल अकाउंट के लिए। अब यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, जो भी आपने पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक लगा रखा है, उसको डाल के आप वेरीफाई करोगे। इसके लिए आपको कंटिन्यू कर लेना है। और यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल में जो स्क्रीन लॉक लगा रखा है वो इंटर करने के बाद आप देख सकते हो अगले स्टेप में मुझे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बस मुझे अपना नया पासवर्ड इंटर करना है, जो भी मैं अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड रखना चाहता हूँ, और वो सेम नया पासवर्ड दोबारा से री इंटर करके कंफर्म कर लेना है। और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके मैं पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे पुराना पासवर्ड इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस मैंने अपने मोबाइल के स्क्रीन लॉक को इंटर किया, यूज किया पासवर्ड को चेंज करने के लिए। तो अगर आप अपने जीमेल आईडी और गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हो तो आप केवल स्क्रीन लॉक को इंटर करके बिना पुराने पासवर्ड के ही नए पासवर्ड को सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपके मोबाइल में मेक श्योर कर लेना है कि स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। अब इस तरीके से आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले अगर आपके मोबाइल में स्क्रीन लॉक लगा हुआ नहीं है तो आप अपने मोबाइल का सेटिंग ऐप ओपन करके नीचे स्क्रॉल करके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में चले जाओगे और यहाँ से आपको स्क्रीन लॉक लगा लेना है। इसी स्क्रीन लॉक को आप यूज कर सकते हो जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करने के लिए बिना पुराने पासवर्ड को इंटर किए, क्योंकि अक्सर लोग पुराना पासवर्ड यानी कि जो करंट पासवर्ड है उसे भूल जाते हैं। तो जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करने के लिए सिंपली आप जीमेल ऐप ओपन कर लोगे। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है टॉप राइट कॉर्नर में। यहाँ से आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट इस पे क्लिक करना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से गूगल अकाउंट को यानी कि जीमेल आईडी को स्विच कर लोगे। जिसका भी आपको पासवर्ड चेंज करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है स्विच करके। अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो आपको जीमेल आईडी स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब जिस भी जीमेल आईडी का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जीमेल आईडी को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे हल्का सा स्वाइप करोगे और सिक्योरिटी में आ जाना है। सिक्योरिटी में आने के बाद आप अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ मिलता है। सिंपली पासवर्ड पे क्लिक करना है और जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स दिखाया था, आप उस स्टेप को फॉलो करके या तो पुराने पासवर्ड को इंटर करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हो या फिर फॉरगॉट पासवर्ड करोगे। आपको आगे स्क्रीन लॉक इंटर करना होगा और आप अपने जीमेल आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और आपके पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए।